ये है मेरठ एक्सप्रेसवे। यहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने लेफ्ट वाला रास्ता ले लिया। और मेरे साथ कौन है पता है आपको? नहीं पता, लेकिन आप देखोगे तो शायद आपको पता चल जाएगा। नहीं चलेगा भाई, सौरभ भाई। पहाड़ों में चलाने का सौभाग्य फिर से एक बार प्राप्त हुआ। ओ माय गॉड, ये देखो यार क्या खूबसूरत सा नजारा है पहाड़ों का। देखिए एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा किसी को पता नहीं है, इसीलिए जो करना है आज कर लो, घूमना है घूम लो, ट्रैवल करना है कर लो। भाई हैंडल काफी हैवी है और उसकी वजह से मैन्यूवर करने में पहाड़ों में पूरा दुखने लगता है यहाँ से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? होप सो आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ उत्तराखंड के लिए और गाड़ी पूरा सेट हो चुका है। हाय बोल दो। तो मेरी बहन है, बहन के हस्बैंड। तो अभी हम लोग मतलब मैं और एक जन से मिलाऊंगा आपको, थोड़ा सा देखते धक्का देना पड़ेगा। ओके ठीक है, आते हैं फिर। ठीक हाँ ठीक, जय श्री राम, जय विश्वकर्मा, हर हर महादेव। कल चुका हूँ दिल्ली के सड़कों में, अभी इंडिया गेट के पास हूँ, जो कि यहाँ पे ट्रैफिक सुबह सुबह ही लग जाता है। देख रहे हो टाइम हुआ है 6:59, मतलब 7 बज गया ऑलमोस्ट। ओ भाई इंडिया गेट दिख जाओ, इंडिया गेट नहीं दिख रहा पेड़ पौधों से। लेफ्ट लेना अपने को। टनल के अंदर से जाना है ना अपने को? जी किलोमीटर पर आवर स्पीड में चलना है भाई, नहीं तो यहाँ भी चलान कट जाएगा। वाव टनल बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, नाइस। और सौरभ भाई भी ज्वाइन कर चुका है, सौरभ भाई को देख सकते हो शीशे में आ रहा है। मैं मिलवाता हूँ, जाम की वजह से अपन वीडियो शूट नहीं कर रहे थे, बस सोचा कि दिल्ली से बाहर निकल जाए फिर शूट करते हैं, क्योंकि शायद मेरठ एक्सप्रेसवे में बाइक अलाउड नहीं है ना। नहीं इसीलिए समझे, बाइक अलाउड नहीं है मेरठ एक्सप्रेसवे में, जा तो रहे हैं, क्या करें, चले इससे चले मेरठ एक्सप्रेसवे। यहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने लेफ्ट वाला रास्ता ले लिया, क्योंकि भाई फालतू का चलान अपने को कटवाना नहीं है, इसीलिए अपन इस रोड से चल रहे हैं। इस रोड में सिर्फ कार ट्रक वगैरह चल सकता है, वो स्पीड लिमिट लगा हुआ है इसमें। तो इतना सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है इस मेरठ एक्सप्रेसवे में, लेकिन भाई बाइकर्स को अलाउ करना चाहिए, बट क्या ही कर सकते हो, रूल इज़ रूल। सो कोई नहीं, अपन इस रास्ते से ही चलेंगे मस्त एकदम। वैसे ये भी अभी खाली खाली सा रास्ता है। ओके चलो भाई साहब, अभी टोल प्लाजा था यहाँ पे, तो उसने रोक लिया और बोला कि भाई इस पे बाइक अलाउड नहीं। बोले वो तो पता है मेरे को, बट उसके सामने नहीं बोला, ऐसा बोला अरे पता नहीं है यार मेरे को, पहली बार आ रहा हूँ। उसके बाद फिर बोला कि भाई आप एक बार आ गए तो आ गए, अब नेक्स्ट टाइम से मत आना यहाँ पे, वरना आपको दिक्कत हो जाएगा। मैं बोला ओके, बस अभी निकलवा दो भाई। हो गया काम अपना। तो गाइज अभी हम लोग पहुँचे हैं मेरठ के आसपास में और कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं, और मेरे साथ कौन है पता है आपको? नहीं पता होगा, लेकिन आप देखोगे तो शायद आपको पता चल जाएगा। नहीं चलेगा भाई, सौरभ भाई। जो हम लोग कहाँ पे राइड किए साथ में? स्पीति वैली।
और सौरभ भाई को इंस्टाग्राम पे बहुत लोग जानते हैं SRV मोटो के नाम से। तो अपन जा रहे हैं, हम लोग साथ में यहाँ से, डेस्टिनेशन आपको मैं बता दे रहा हूँ, हम लोग जा रहे हैं चक्राता, उत्तराखंड में है, यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर है। नहीं भाई, 250 दिल्ली से, मतलब यहाँ से 250 किलोमीटर लगभग, दिल्ली से 300 किलोमीटर है। तो चलो हम लोग कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और बाइक ये देखो, हम लोगों की बाइक यहाँ पे है, सौरभ भाई का GT है और मेरा वन एंड ओनली हिमालयन 450 एंड GT 650 रॉयल इनफील्ड कॉम्बिनेशन। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद। वो ने यहाँ से कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पी लिया, अब निकलते हैं। ओह, 255 किलोमीटर है यहाँ से चक्राता। चलो हो, हर हर महादेव, कालका ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बाकी भाई मौसम बहुत ही बढ़िया है, धूप भले आ गई है बट मौसम एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। और साथ में सौरभ भाई है तो और मज़ा आ रहा है, वाइब्स मैच कर रहा है, अपन घूम रहे हैं मज़े से, राइड कर रहे हैं बाइक, अच्छा लग रहा है। चलो निकलते हैं। पेडलिंग कर रहा हूँ ऐसे और सौरभ भाई करके दिखा। तो ये है GT और एडवेंचर बाइक में डिफरेंस। इसमें देखो सैडलिंग एकदम सीधा खड़ा होके कर सकते हो, लेकिन GT में ऐसे पीछे निकाल के। तो ये सब डिफरेंसेस है एडवेंचर बाइक में और ऐसे बाइक में। भगाया है लौंडा, भगाया है। लेकिन अपना हिमालयन भी कम नहीं है ब्रो, हिमालयन जब भक्ति है ना तो भक्ति है बस। GT और हिमालयन भाई दोनों बाइक लेजेंड बाइक है, लेजेंड बाइक ऑफ रॉयल एनफील्ड। मतलब ये दोनों बाइक मेरा फेवरेट बाइक है, इसीलिए मेरे पास ये दोनों बाइक है। जबलपुर जाएगा, आप इसी से निकल जाओ, देहरादून जाओगे क्या आप लोग? हाँ लगभग, चक्राता जाना है आगे। हाँ तो आप चक्राता, तो फिर आप सहारनपुर को निकल जाओ, सीधा विकास नगर को। तो अपन उधर से भी जा सकते हैं। हाँ जाने को तो आप इधर से भी निकल जाओगे। उधर ये हाईवे है, वो लंबा पड़ेगा, वो लंबा पड़ेगा। ये भी सही है रोड तो, लेकिन ये सिंगल लेन है ना? हाँ जी, ये सिंगल लेन है। हाँ ये सिंगल लेन है, वो फोर लेन मिलेगा। ठीक है भाई, तो उसी से चलते हैं। ठीक है, ओके। क्योंकि भाई सिंगल लेन में बहुत दिक्कत है यार। हाँ हाँ, इरिटेट हो जाएंगे हम लोग, है ना? हाँ अच्छी लग रही। चलो जी, अपन रास्ता चेंज कर रहे हैं, अपन इधर से चल रहे हैं, क्योंकि ये जो रास्ता था ना पीछे वाला, वो सिंगल लेन वाला रास्ता है, इसीलिए हम लोग सोचे कि फोर लेन वाला ही पकड़ के निकलते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और लोग घूर घूर के देखते हैं तो अच्छा लगता है। Oh my God, रेलवे फाटक मिल गया ब्रो, रेलवे फाटक। आ जा साइड में, अपन भी लाइन पे लग जाते हैं कतारों में। तो लंबी गनी जाम है भाई साहब। जाम है ब्रो, कोई नहीं, वेट तो करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते, बाकी सब कुछ बढ़िया है, राइड स्मूथली चल रही है। रास्ता थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ रहा है, पूछना पड़ रहा है, क्योंकि मैप में भी एग्जैक्ट सही नहीं बता रहा। नया सा अंडर कंस्ट्रक्शन में है अभी हाईवे, तो यहाँ अभी हम लोग पकड़े हैं और यहाँ से चक्राता 144 किलोमीटर दिखा रहा है। तो देखते हैं ये रास्ता भी अपने को सही मंजिल पर ले जाता है कि नहीं। बाकी हाईवे बहुत ही शानदार बन रहा है, देहरादून भी यही रास्ता लेके जाएगा, हरिद्वार भी यही रास्ता लेके जाएगा, रुड़की भी यही रास्ता लेके जाएगा, पता नहीं न्यू सा रास्ता है।
फन करने में मज़ा आता है ज़रूरी है राइड में फन तो बहुत ही ज़रूरी है यू नो। अंगड़ाइयाँ लेते हुए सौरभ भाई गाइस पहाड़ों की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे सौरभ भाई रुकते हुए क्या हो गया सौरभ मैं सोच रहा हूँ मेरे पास एनर्जी बोल है इस साइड में निकाल दो मेरे को डर लग रहा है वही टूट जाएंगे मतलब ये वाला नहीं टच होगा नहीं होगा टच इतना इतना फर्क रहता है हाँ वो तो रहेगा वो तो रहता है मेरे में हाँ मेरे में ऊंचा है। ओ भाई साहब पहाड़ों में चलाने का सौभाग्य फिर से एक बार प्राप्त हुआ हर हर महादेव चक्राता 80 किलोमीटर सिर्फ पहाड़ों का है स्टार्टिंग बाकी तो भाई सारा ऐसी है प्लेन रोड है इस पे लिखा हुआ है धन्यवाद पुनः आगमन प्रार्थनीय है गेट तो अच्छा बना हुआ था सीधा है ओके ब्रो ओके तो अपन को यहाँ से सीधा लेना है चक्राता कहीं तो दिख नहीं रहा जमुनेत्री वहाँ यहाँ से 164 किलोमीटर है देहरादून 42 किलोमीटर जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना तो जिंदगी एक सफर है सुहाना कल क्या होगा किसी को पता नहीं है इसीलिए जो करना है आज कर लो घूमना है घूम लो ट्रैवल करना है कर लो तो यही लाइफ है भाई बाकी तो सब यूं ही है तो इसीलिए घूमते रहो फिरते रहो पैसे कमाते रहो काम करते रहो और क्या जिंदगी का नाम यही है तो ये देखो भाई हम लोग खाना खाने के लिए रुके हुए हैं सौरभ भाई का हालत ख़राब हो चुका है भूख से एकदम हिल चुका है पूरा देखो कैसे खा रहा है यहाँ से लाइटिंग थोड़ा कम है इसीलिए दिख नहीं रहा अभी उसके मुंह में पानी आ रहा है बोल रहा है भाई मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा बॉडी नहीं दिख रहा ब्रो ओह माय गॉड ये देखो यार क्या खूबसूरत सा नज़ारा है पहाड़ों का वाह इधर वाला पहाड़ ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है जिधर हम लोग जा रहे हैं चक्राता बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़ारा बहुत दिनों के बाद ऐसा सौभाग्य मिला है देखने का तो बहुत ही आनंद आ रहा है देखने में ये देखो सामने में बादल पूरा पहाड़ों को छूते हुए और अपन भी पहाड़ों पे चढ़ते हुए हिमालयन 450 एंड कॉन्टिनेंटल GT 650 के साथ ये एक्साइटेड हो गया अब तो पहाड़ देख के बस पहाड़ों में हमेशा आराम से बाइक चलाना है या कार भी घूमने का समय आ चुका है पेट्रोल ले लेते हैं ओके 93 लीटर ओके तो थोड़ा वाटर क्रॉसिंग मिल जाता है तो बढ़िया लगता है छोटा सा वाटर क्रॉसिंग था थोड़ा ज़्यादा मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता बट ऐसा पॉसिबल है नहीं ओह मिट्टी का स्मेल ओ इतने सालों के बाद पहाड़ों में जो मिट्टी का स्मेल होता है ना वो बहुत ही शानदार और ये देखो छोटा सा वाटरफॉल जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में उप्स यो ऑफरोडिंग तो चाहिए यार अपने को थोड़ा ऑफ रोडिंग में मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए भाई सो हम लोग पहाड़ों में मस्ती करते हुए सौरभ भाई
पहाड़ों में लेटते हुए सबके सामने। ये देखो क्या सौरभ, किधर हो भाई? पता नहीं। वादियों में खो गया है ना भाई। जीटी मतलब बोल ना भाई, स्टोरी है जस्ट फॉर फन। 200-300 एमबीपीएस वाली स्पीड का वाईफाई, हाँ, और एक बढ़िया गेमिंग पीसी और PS5 बस। ये तेरे को चाहिए? नहीं मतलब सोच रहा हूँ चाहिए। ये पहाड़ों में चाहिए, यहाँ पे ऐसा घर हो कि आसपास कोई हो ही ना। ओके ब्रो, है ना, तुम जैसा को कर दो ब्लॉग। तो फाइनली हम लोग पहाड़ों में आए हैं और सौरभ भाई का दिल्ली तमन्ना बता रहा है अपने बारे में कि भाई मेरा यहाँ पहाड़ों में होता घर, शादी हो जाता यहीं पे, बीबी बच्चे सब यही रहते, पॉडकास्ट बच्चे, बच्चे नहीं हो, बच्चे नहीं, बच्चे नहीं चाहिए भाई को। बाकी यार बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है अभी तक हिमालयन के साथ, जीटी के साथ। जीटी के साथ सौरभ भाई बताएंगे कैसा लग रहा है। सौरभ जीटी के साथ बहुत चरम सुख। सच बता भाई, रियलिटी बताओ, पब्लिक वांट्स टू रियल। अत्यंत आनंद, आनंद गहन घनिष्ठ। बता दे रियलिटी बता भाई। हैंडल काफी हैवी है, हाँ, और उसकी वजह से मैन्यूवर करने में पहाड़ों में पूरा दुखने लगता है यहाँ से। हाँ, एंड जबकि मैं तो वर्कआउट वगैरह भी करता हूँ तो, हाँ, फिर भी मेरा यहाँ से पूरा ये पेन करता है। अरे बहुत दिक्कत है। हैंडल बार भी जबकि चेंज करवा चुका हूँ मैं, मतलब और पावर में और किसी चीज में दिक्कत नहीं है। हैवी बाइक है इसलिए थोड़ा पहाड़ों में मैन्यूवर करने में दिक्कत आ रहा। तो बाकी तो भाई अपन हिमालयन का बता ही चुका हूँ मैं आपको कि हिमालयन अगर आप लेते हो या फिर ट्रैवलिंग करना है तो एडवेंचर बाइक लो। मैं जरूरी नहीं हिमालयन ही लो, कोई भी बाइक लो, या एडवेंचर बाइक से पहाड़ों में चलाने का अलग ही मज़ा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे और थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे और इतना खूबसूरत सा नज़ारा और ठंडी ठंडी हवा, वाह भाई साहब। ये कोई मार्केट है, जगह का नाम है मेन बाज़ार सहिया, जगह का नाम है, जो कि छोटा सा मार्केट मिला है और पूरा पहाड़ों वाला फीलिंग मिल रहा है। और यहाँ पे देखो गुरुद्वारा भी है, बहुत ही अच्छा, वाहेगुरु दी फतेह। चलो सौरभ भाई, थक गए क्या? थक गए, सर दर्द दे रहा है। चलो चलो भैया साइड दे दो। और ये देखो भाई, पहाड़ों का मौसम बदल चुका है, बहुत ही शानदार, वाव, बादल एकदम सामने सामने चल रही है, बहुत ही खूबसूरत वादियों के नज़ारे। और आप भी देख रहे हो तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि कितने प्यारे हैं वादियों के नज़ारे। वाह, नीचे देखो कुछ दिख नहीं रहा, नीचे आसमान के ऊपर आ चुके हैं भाई, ये देखो, वाह बहुत ही शानदार। और ये देखो फाइनली चक्राता पहुंच गए हैं, ये देखो चक्राता। पालेवुम बर्फ प्रभावित क्षेत्र, ओके, मेन जो एरिया है चक्राता का वो नहीं पहुंचे हैं अभी, चक्राता इंटर हुआ है बस। ये देखो भाई क्या फॉगी फॉग है, फॉगी फॉग, ओह माय गॉड, वाव, आगे अब एकदम फॉगी फॉग छा गया है। सो गाइज, अभी हम लोग चक्राता के मेन मार्केट में आए हैं होटल ढूंढने के लिए। होप सो इधर होटल मिल जाए अपने को बढ़िया, वरना फिर जाना पड़ेगा दूसरे एरिया में, यू नो। ओ किधर मिलेगा भाई, समझ में नहीं आ रहा।
देखो मैं चक्राता आया हूँ और कुछ बच्चे मिले। क्या नाम है तुम्हारा? हसन। तुम्हारा? तनिश। कौन सी क्लास में हो? फिफ्थ। तुम तो बहुत क्यूट लग रहे हो यार, यहीं से हो? चक्राता से ही हो? ओके, तो मेरा यूट्यूब चैनल देख लो, क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? ARG bikes। और उसको पहचान रहे हो ना? SRB मोटो बहुत फेमस है भाई, वो गुड़गांव में कहीं ना कहीं मिलते रहता है। विली, अरे भाई विली मारते हो तुम। चलो ठीक है, अच्छा लगा तुम लोग से मिलके। भाई एक बार फोन दिखाने, कैसा है? अरे कैसा फोन ये?